में क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। शायद मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन बता दी थी, बस मैंने इतना बताया था कि अगर मैं किसी भी ब्लॉक पे या बॉडी पे वर्क डन करता हूँ और उस बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आता हूँ, तो अगर वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो समझो वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। और अगर वो पाथ पे डिपेंड करेगा तो समझो वो फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। जैसे अगर सपोज मैं एक ब्लॉक को एक यहां से यहां लेके आता हूं, और मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैं सीधा लेके आ रहा हूं या मैं मोड़ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लेके आ रहा हूं, वर्क डन की वैल्यू मान लो हर हालत में सेम है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि ग्रेविटी की फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक, अगर वर्क डन हर केस में क्या आता है, सेम, और मैटर नहीं करता कि आप किस रास्ते से लेके आए हो। लेकिन मैंने साथ ही एग्जांपल दिया था फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन में अगर आप एक ब्लॉक को यहां से यहां लेके आ रहे हो, आप वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट फ्रिक्शन, आप लंबे रास्ते से लेके आ रहे हो, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। तो यानी कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, और वो पाथ पे डिपेंड करेगा, राइट। वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो रास्ते पे भी डिपेंड करेगा, जितना लंबा रास्ता होगा उतनी ही आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। या फिर फ्रिक्शन नहीं लेना तो विस्कस लिक्विड ले लो, कोई विस्कस गाढ़ा लिक्विड है, उसके अंदर तैरते जा रहे हो, इधर से उधर जाना है, वर्क डन कम लगेगा, घूम के जाओगे वर्क डन, भाई अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, जब अगेंस्ट काम होता है तो वर्क डन ज्यादा लगता है जितना लंबे रास्ते से आएंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो कंजर्वेटिव फोर्स से स्टार्ट करते हैं। अब फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, फोर्स कंजर्वेटिव मानी जाएगी इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, अगर वर्क डन बाय द फोर्स, वो फोर्स अगर वर्क डन करे इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल, पार्टिकल को हिलाने के लिए वर्क डन करे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी को लेके जाए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ये अंडरलाइन कर लो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स अपॉन ओनली द एंड पॉइंट, सिर्फ शुरू और आखिरी के एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करे और रास्ते पे डिपेंड ना करे, तो उस केस में उन फोर्सेस को क्या बोला जाएगा, कंजर्वेटिव, राइट। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कंजर्वेटिव का, ग्रेविटी की फोर्स, तो हमने लास्ट टाइम भी किया, आज यही करेंगे फिर से। तो इसके लिए उसने, देखो एक ना लिखने का तरीका होता है किसी भी चीज को, इनफॉर्मल तरीके से, तो ना तो कोई नंबर देने वाला है आपको और ना ही कोई किताब आपको मिलेगी जो ऐसी बता देगी ये MGH लिख लो कंजर्वेटिव हो गया, इतनी इनफॉर्मल तरीके से कोई, तभी तो लोगों को मुश्किल लगती है, फिर पढ़ते हैं तो वो दिमाग में घुसती नहीं है ना, स्टेटमेंट भरी भरी ऐसी लिखी होती है, तो क्योंकि लिखने का एक स्टाइल है, और ऐसा नहीं है कि वो स्टाइल सिर्फ यहीं तक चलता है, आप और इंजीनियरिंग के अंदर मेडिकल के अंदर जाओगे टर्म्स चलती हैं, उन टर्म्स में ही बात करते हैं मेडिकल के लोग, टेस्ट करवाओ रिपोर्ट आती हैं, वो रिपोर्ट की कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको नहीं शायद डॉक्टर को ही समझ में आती हैं, अब डॉक्टर इनफॉर्मल तरीके से आपको समझा देता है कि इसका मतलब ये होता है जी, ये इंडिकेशन है कि ये बॉडी के अंदर ये चीज़ ख़राब है या ये चीज़ सही है, वो आम भाषा में बात करता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उनको वही टेक्निकल लैंग्वेज सिखाई जाती है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है, टेक्निकल फॉर्म है, एक टेक्निकल तरीके, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे वही स्टैंडर्ड चलते हैं, आप यहाँ पढ़ लो, आप किसी और कंट्री में जाके पढ़ लो, लैंग्वेज यही रहेगी, राइट। हम अपनी लैंग्वेज में समझा तो देंगे, इजी लैंग्वेज में बात तो समझ में आ जाएगी, बोल तो दिया ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, मैं तो प्रूव भी कर चुका, इनफॉर्मल तरीका सबसे आसान था, ये देखो इधर गया ब्लॉक, इधर गया खत्म हो गया, लेकिन फॉर्मल तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे आपको किताब समझ में आए, ठीक। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, बुक का ही एग्जाम्पल लिया, जैसे ए से लेके बी तक आपको जाना है, दो रास्ते हैं, आप फर्स्ट रास्ते से जाओ, आप सेकेंड रास्ते से जाओ, वन एंड टू, क्लियर है। अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा अगेंस्ट कंजर्वेटिव होगी, ऑब्वियसली मैं फोर्स या इन फेवर ऑफ कंजर्वेटिव होगी, मतलब जैसे इमेजिन करो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ
और ब्लॉक को ए से बी पे लेके आ रहा हूं, चाहे इस रास्ते से लेके आऊं चाहे इस रास्ते से लेके आऊं। इसका मतलब दो रास्ते हैं, ठीक। मतलब कंजर्वेटिव का मतलब आपने फ्रिक्शन इमेजिन नहीं करना जिसमें पाथ मैटर करता है, आपने कंजर्वेटिव की बात करनी है, पाथ मैटर नहीं करता। तो इसमें दो रास्तों से आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गए, पर इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, एफ इज कंजर्वेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर एफ कंजर्वेटिव है तो डेफिनेशन कंजर्वेटिव की पता है क्या बोलती है, आप वर्क डन ए से लेके बी तक करें चाहे पाथ वन से करें, आप ए से लेके बी तक करें चाहे पाथ टू से करें, आंसर क्या आएगा, सेम। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, मतलब डेफिनेशन समझ में आ रही है कि क्या है कंजर्वेटिव को लिखना कैसे है, वर्क डन की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप ए से बी पे बॉडी को लेके गए, फिर आप बी से ए पे लेके आए, ठीक, उल्टा कर दिया, उसमें ए से बी दो रास्तों से सेम, इसमें वापस लेके आ रहे हैं, इसमें यहां से यहां या यहां से यहां, इसमें यहां से यहां और फिर वापस, ठीक। तो ये ध्यान से देखना है स्टेप जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं, इसके अंदर कितने लोगों को ये समझ में आता है, ये कुछ नहीं है, यहां से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ टू, पाथ टू ये लिया मैंने, ये रहा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए फ्रॉम पाथ टू। भाई अगर आप सेकेंड पाथ से जा रहे हो और सेकेंड पाथ से ही वापस आ रहे हो तो दोनों के वर्क डन में माइनस का फर्क आएगा ही आएगा। किसने कहा नहीं समझ में आया, मैं कोई बात नहीं, फिर इनफॉर्मल तरीका से ही, सिंपल तरीका, इसका मतलब जैसे एक ब्लॉक है, सिंपल तरीका, ये पाथ टू है और मैं ब्लॉक, और मान लो ये फोर्स कंजर्वेटिव है और ग्रेविटी की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, राइट। तो ये ग्रेविटी की फोर्स है, तो मान लो मैं यहां से यहां जाता हूं, ऊपर लेके जाता हूं, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है, माइनस एमजीएम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कितना आया था अभी आंसर, माइनस एमजीएच। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की बजाय उसी पाथ से नीचे लेके आता हूं तो क्या आएगा, प्लस एमजीएच। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जाने और आने के बीच में जो वर्क डन है उसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स तो चेंज होगी नहीं, एक तरफ आपको अगेंस्ट जाना पड़ेगा, एक तरफ आपको फेवर में जाना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें। तो यानी कि ठीक लिखा कि अगर आप यहां कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और आप ए से बी तक जाते हो या आप उसी रास्ते से बी पे ए पे आते हो तो साइन माइनस लगेगा, ठीक है यहां तक। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन कर लो इसे, इक्वेशन नंबर वन, ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड जब करेंगे, इधर ध्यान से ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म इसमें ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जब आप ऐड करेंगे तो ये वाली राइट पे और ये वाली लेफ्ट पे, ये इक्वेशंस आपस में कैंसिल, देखो सेम है ना, सेम लिखा हुआ है, तो आपस में कैंसिल, तो यानी कि ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल कर दी, दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ वन इज इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अलोंग पाथ टू। इसका मतलब ये ट्रू है कि आप ए से बी पे जाते हैं या आप बी से ए पे आते हैं तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, साइन सिर्फ माइनस का फर्क होगा। बात उसने सिर्फ यही समझाई कि आप ऊपर गए और नीचे आए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लिखने का तरीका देख लिया क्या हुआ, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है, बात का मतलब तो यही है। नहीं, आपको पसंद नहीं आता वो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, किसी को पसंद नहीं आता, ठीक। आज का लेक्चर ही है, बाकी सब नॉर्मल है, नॉर्मल चलती है, कुछ कुछ लेक्चर की पोटेंशियल एनर्जी जहां आएगी ना उसकी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स होती है, पोटेंशियल एनर्जी कॉम्प्लेक्स है तो अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल इजी है,
ये पहला टॉपिक है जिसकी थ्योरी कॉम्प्लेक्स है और न्यूमेरिकल इजी है. अदरवाइज न्यूमेरिकल लोगों को थोड़े एप्लीकेशन टाइप ज़्यादा होता है, थ्योरी जल्दी समझ में आती है. बट इसमें ऐसे ही चलेगा, कुछ देर ऐसा चलेगा, बाकी तो ठीक है. इसमें पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, तो कैसे उसने रिप्रेजेंट किया. और एक अच्छी बात यह, आपसे कोई नहीं पूछेगा इसे प्रूफ करो. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ऐसे ऐसे बुक्स में लिखा हुआ है, आपको ये पेपर में नहीं आएगा. पर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है आपको प्लस माइनस का फर्क क्या होता है. तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये याद भी करना है, आपको कुछ नहीं याद करना. जो याद करने वाला है मैं मार्क करवा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है. राइट, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो अब एक काम करते हैं, इस स्टेप को इधर ले चलते हैं. तो टोटल वर्क डन ए से बी जाने का और बी से ए आने का, टोटल वर्क डन का सम क्या आ गया, जीरो. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ का मतलब जाना और आना, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो. ये तो एक लाइन में वैसे समझ में आ गया था कि अगर एक ब्लॉक को ऊपर और नीचे लेके आते हैं तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ग्रेविटी क्या करती है, जीरो. तो ठीक है, क्लोज पाथ में आंसर जीरो. पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो हो तो एक लाइन में समझ में आ गया था, बट ये भी समझ में आ गया. तो एक रिजल्ट बन गया. रिजल्ट ये है, ये रिजल्ट तब ही वैलिड है जब फोर्स की नेचर क्या है, कंजर्वेटिव. अगर फ्रिक्शन होती, आज न्यूमेरिकल में किया था, आंसर जीरो नहीं आया था. जब इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को ऊपर लेके गए थे फिर नीचे लेके आए थे, जीरो आंसर नहीं आया था. लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट आंसर जीरो आया था, याद है न्यूमेरिकल किया था आज, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स क्या थी, कंजर्वेटिव, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है. तो आपने नोट किया, राउंड द ट्रिप ग्रेविटी का वर्क डन जीरो और फ्रिक्शन का वर्क डन नॉन जीरो. तो एक रिजल्ट बन गया. रिजल्ट ये है, फोर्स इज कंजर्वेटिव. फोर्स को क्या माना जाएगा, कंजर्वेटिव. इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन अ मूविंग अ पार्टिकल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो. मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पर कोई ना फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, मुझे पता नहीं कौन सी फोर्स है, पर मैंने क्या किया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को जब यहां से यहां रखा ना, मेरा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो ही आ गया. तो इसका मतलब किसी ने कहा कि पक्का फोर्स की नेचर क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी. तो क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव का वर्क डन हमेशा जीरो ही आएगा. ये डेफिनेशन है. ठीक, तो पॉइंट समझ में आया यहां तक, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन बनाई गई है. वो नहीं चलता इसमें, हाँ सिर्फ कंजर्वेटिव में चलता है. नॉन कंजर्वेटिव मतलब वो कह रहा है कि कंजर्वेटिव में ऐसे बोल दें नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है, कंजर्वेटिव में बोल सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं बोल सकते. शॉर्टकट है, जैसे मर्जी याद कर